हेलो दोस्तों, क्या आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहते हैं? क्या आप भी परेशान हैं एक्शन न लेने की वजह से? क्या आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बदलाव आए? तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए। मैं डॉक्टर अमोल मौर्या, बिजनेस कोच, कॉर्पोरेट ट्रेनर, सेल्स ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, आज आपके लिए लेकर आया हूँ ये वीडियो जो आपको बहुत मदद करेगा अपने ज़िंदगी में कंफर्ट जोन को तोड़कर एक्शन लेने पे मजबूर हो जाने के लिए। ये एक ऐसा वीडियो है जिसे हमने बहुत एनालिसिस करके एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो बनाया है उन लोगों के लिए जो परेशान है एक्शन न लेने की वजह से, जो हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल आपके लाइफ में है वो है आपका कंफर्ट जोन, जो आपको कोई चैलेंज नहीं लेने देता, जो आपको कभी रिस्क नहीं लेने देता। दोस्तों, हम कई एंटरप्रेन्योर से मिलते हैं बिजनेस ट्रेनिंग के दौरान, कोचिंग के दौरान, ओपन हाउस वर्कशॉप के दौरान। जब मैं अलग अलग सिटी में ट्रेवल करता हूँ, मैं कई ऐसे बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर से मिलता हूँ जो अपने लाइफ में सिर्फ इसलिए परेशान है, उनके पास पूरी स्किल्स है, पूरी क्वालिटीज़ है जो उन्हें एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना सकती है, लेकिन एक क्वालिटी लैकिंग है, वो है कम रिस्क लेना, कम चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना और कंफर्ट जोन में रहना। सिर्फ इस क्वालिटी की वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। इस वीडियो में 5 ऐसी क्वालिटीज़ हम आप तक लेकर आए हैं। अगर आपने ये 5 स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो आप भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हैं और एक एक्शन टेकर बन सकते हैं। दोस्तों, वो क्वालिटीज़ है, पॉइंट नंबर 1, खुद को एजुकेट करें और अपडेट करें। आपके लाइफ में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड रेगुलर खुद को अपडेट करते रहना, एजुकेट करते रहना, ट्रेनिंग अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत इंक्रीज होता है, जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर आने में मदद करता है। पॉइंट नंबर 2 इज़ बनाए सही प्लान। बहुत ज़रूरी है एक सही एक्शन प्लान आपके पास हो। अगर आपके पास स्टेप टू स्टेप डायरेक्शंस नहीं है, एक्शन प्लान नहीं है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। कॉन्फिडेंस की वजह से हमेशा कंफर्ट जोन में ही रहते हैं, तो एक अच्छा एक्शन प्लान होना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 3 है, बने रिस्पॉन्सिबल और प्रोएक्टिव। जिम्मेदार व्यक्ति ही कंफर्ट जोन से बाहर आने का डिसीजन ले सकता है। प्रोएक्टिव व्यक्ति हमेशा तैयार होता है एक्शंस को लेने के लिए और प्री प्लानिंग उसकी बहुत अच्छी होती है। पॉइंट नंबर 4 है, ले बेबी स्टेप्स और छोटे गोल सेट करें। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा गोल सेट करें, आप छोटे गोल सेट करके, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर भी उन्हें अचीव करके, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करके अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 इज़ खुद को करें चैलेंज और हमेशा पॉजिटिव सोचें। दोस्तों, एक एग्जांपल लीजिए, एक बहुत बड़ा शिप है जो एक समंदर के किनारे पर खड़ा है। क्या वो शिप उस समंदर के किनारे पर रहने के लिए बना है? नहीं, वो समंदर को पार करने के लिए बना है। वैसे ही हमारी ज़िंदगी में हमें अनलिमिटेड पोटेंशियल क्यों मिला है? चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए, रिस्क लेने के लिए। तो जब तक आप खुद को चैलेंज नहीं करेंगे और इस पूरे प्रोसेस के दौरान अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाकर नहीं रखेंगे, तो आप कभी भी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ सकते। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस तरीके के टॉपिक पर आप अपनी टीम को ट्रेन करना चाहते हैं, अपने डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर या कोई और टॉपिक पर भी आप हमें सुनना चाहते हैं, तो जरूर नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियोस देखना पसंद है तो सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए। और अगर आप हमारा एक भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो बेल आइकन को हिट कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।